हेलो एवरीवन, तो आज हम इस बाइक की लेमिनेशन निकालने वाले हैं। हमारी बुलेट में लेमिनेशन कराए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो ये आज थोड़ी ख़राब वराब भी हो गई है, तो उसको निकाल के आज सारी साफ़ कर देंगे, और जिसको साफ़ करने के लिए बाद चमक जाएगी एकदम। उसको निकालने के लिए हमारे पास ये एक हेयर ड्रायर है और ये एक कटर भी है, तो निकालते हैं फिर आज। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसमें स्पॉट, ये सब स्क्रैचेस, और टैंक पे तो बहुत बुरे हाल है। टैंक पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा ना ये चटक गया है। ये चटका किस वजह से है? पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल इस पर आया, कच्चा हो गया और ये चटक गया। बाकी इधर भी लेमिनेशन है, ये भी हटाएंगे, और पीछे यहाँ पे थोड़ी सी है, इसको भी हटाएंगे। बाकी रस्टिंग है, फिर इसमें कभी रस्टिंग सारा निकाल के पेंट भी करेंगे। इधर भी ये लेमिनेशन ख़राब हो गई है, इसको भी हटाएंगे अभी। बाकी फिर चलो काम चालू करते हैं। थर्मल ब्लेड हम ले आए, उसको यहाँ से रिमूव करके देखते हैं। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा मुझे लग रहा ये हमारी हीट गन है, हीट गन से ज़्यादा अच्छी है। बाल की बना लो, आप अपनी लेमिनेशन भी निकाल सकते हो बाइक की। तो जी ये मडगार्ड तो हमने कंप्लीट कर दिया, अब इसकी वायर छोटी पड़ रही है, हमको ये पोर्शन हटाना है, तो आगे करना पड़ेगा इसको। तो आगे करके फिर दोबारा से इसको करेंगे यहाँ से क्लीन। तो जी ये तो हट गई, और ये हटने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। टैंक, या फिर टैंक से पहले इसको हटा देते हैं। तो जी यहाँ पे थोड़ी सी लेमिनेशन है, ये हमको हटानी है। इसके लिए ये हटाना पड़ेगा, ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे और ये निकल जाएगा, तो हम यहाँ से आराम से हटा देंगे। बाकी इधर ये हमने हटा दिया, ऐसा ही उधर है, वो हटाना है, फिर टैंक हम लास्ट में करेंगे। मडगार्ड हमने हटा दिया, इधर कहीं पे भी नहीं है, बस ये है, इसको पे अभी ये हटा देंगे। पहले इसको हटा देते हैं। स्टिकी स्टिकी थोड़ा इधर हट गया, अब बारी है इधर वाले की। इसके लिए फिर से मुझे लग रहा बाइक उधर खड़ी करनी पड़ेगी। पानी 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 पानी
तो एकदम स्मूथ है और यहाँ पे ज़्यादा ढंग से गर्म नहीं होता, यहाँ पे ये स्टिकी स्टिकी है ना। अब बारी है इस टैंक की, बड़ा टास्क। अब बारी है इसके टैंक की। क्योंकि लेमिनेशन तो पूरी तरह से